गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर विषय पर्यावरण अध्ययन के यूनिट फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति टॉपिक जैविक पर्यावरण एवं भौतिक जैविक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का आपसी तानाबाना के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पूर्व में मनोसामाजिक या मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जैविक पर्यावरण से शुरुआत करते हैं। सार्वभौम में जैविक पर्यावरण बहुत ही बड़ा अवयव है जो कि मानवों के आसपास ही रहता है। यहाँ तक कि मानव के लिए दूसरा मानव भी पर्यावरण का एक भाग है। यहाँ तक कि एक मानव के लिए दूसरा मानव भी पर्यावरण का एक भाग है। जीव जंतु और वनस्पति इस घटना के प्रमुख सहयोगी हैं। जीव जंतु तथा वनस्पति इस घटना के प्रमुख सहयोगी हैं। सामान्यतः मनुष्य इन जैविक अवयवों के साथ अंतर संबंध तथा सामंजस्य बनाने का प्रयास करता है। सामान्यतः मनुष्य इन जैविक अवयवों के साथ संबंध तथा सामंजस्य बनाने का प्रयास करता है। जैविक पर्यावरण की समुचित ज्ञान रोगों के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैविक पर्यावरण दो प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट पौधों का पर्यावरण, दूसरा जीव एवं जानवरों का वातावरण है। सभी जीव एक सामाजिक समूह में कार्य करते हैं। जैविक पर्यावरण बहुत बड़ा अवयव है तथा मानव के आसपास ही रहता है। यह एक मनुष्य के लिए दूसरे मनुष्य भी पर्यावरण का बहुत बड़ा भाग है। जीव जंतु तथा वनस्पति इस घटना के प्रमुख सहयोगी हैं। सामान्यतः मनुष्य इन जैविक अवयवों के साथ अंतर संबंध व सामंजस्य बनाने का प्रयास करता है। जैविक पर्यावरण के समुचित ज्ञान से रोगों के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। जैविक पर्यावरण दो प्रकार का होता है, पौधों का वातावरण तथा जीव एवं जानवरों का वातावरण। सभी जीव एक सामाजिक समूह में कार्य करते हैं। अब हम भौतिक जैविक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का आपसी तानाबाना का अध्ययन करेंगे। भौतिक जैविक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश परस्पर घनिष्ठ रूप से एक जुड़े हुए एक भौतिक जैविक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। भौतिक जैविक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। भौतिक अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण जैविक पर्यावरण का आधार है और जैविक पर्यावरण के आधार पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण होता है। इस पर्यावरणीय संबंध का स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाता है, जैसे ऊष्मा प्रकाश, जल, पहाड़, भूमि आदि। जीव प्राकृतिक पर्यावरण के उपयोग से अपने जीवन का विकास करते हैं। तथा अपने विकास के आधार पर ही स्वयं के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार भौतिक जैविक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का आपसी तानाबाना ही जीव जगत के कार्य, व्यवहार एवं जीवन संचालन को समर्थ बनाता है। इस पर्यावरणीय तानाबाने में पर्यावरण के सभी घटक परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पर्यावरणीय तानाबाने के रूप में
पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इस परिवेशीय ताने बाने के रूप में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भौतिक एवं जैविक विज्ञान के बहुत से ऐसे विषय समाहित है। इस परिवेशीय ताने बाने के रूप में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भौतिक एवं जैविक विज्ञान के बहुत से ऐसे विषय सम्मिलित है जिनका की अध्ययन आवश्यक है, जैसे भौतिक विज्ञान में ऊष्मा, तापक्रम, ऊर्जा और इसके अंतर्गत विभिन्न रूप विद्युत का मानव हित में प्रयोग, चुंबक तथा चुंबकीय प्रभाव का विद्युत के साथ उपयोग, ध्वनि ऊर्जा का स्थानांतरण, विभिन्न गुण, परमाणु ऊर्जा और इसके विभिन्न उपयोग, आधुनिक इलेक्ट्रिसिटी तथा इसके उपयोग, ट्रांसमीटर, दूरदर्शन तथा रेडियो आदि में प्रयोग होता है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अध्ययन ठोस, द्रव एवं गैस का किया जाता है। इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन एक दूसरे में परिवर्तन इनके रासायनिक गुणों का अध्ययन तथा एक दूसरे में परिवर्तन अकार्बनिक, कार्बनिक तथा भौतिक रासायनिकी का विशद अध्ययन, अकार्बनिक शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न धातुओं के अयस्क का परिचय, उद्गम स्थल तथा शुद्धिकरण तथा इनके द्वारा बनने वाले यौगिक, उनकी मानव हित में उपयोगिता, कार्बनिक रासायनिक के अंतर्गत विभिन्न गैसों का निर्माण, इनकी उपयोगिता, विभिन्न अम्लों लवणों का उपयोग तथा उर्वरकों का निर्माण किया जाता है। भौतिक रासायनिकी के अंतर्गत गैसों के विभिन्न नियम, द्रव तथा गैसीय रूप, सांद्रता तथा पीएच वैल्यू इसका उपयोग। जैविकी के अंतर्गत जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान दो शाखाएं, दोनों का ही अध्ययन मानव के लिए उपयोगी है। जीव विज्ञान में पशु पक्षी मानव रहने वाले जंतुओं तथा पानी में रहने वाले जंतुओं आदि के गुणों तथा बनावट के बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव के स्वास्थ्य, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, रक्त संचार तथा अवशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने की क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र, आनुवंशिकता आदि का भी अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया है। वनस्पति विज्ञान में विभिन्न पौधे, उनकी नस्ल, फल, पत्तों तथा पुष्प आदि के विभिन्न रूप, जड़, तना तथा उनका उपयोग, वनस्पति का पर्यावरण संतुलन में योगदान, विभिन्न वनस्पतियों की मानव हेतु उपयोगिता आदि का विशद वर्णन किया गया है। जैविक पर्यावरण में इन विषयों में मृदा विज्ञान, वन संवर्धन, वनों की सुरक्षा, कृषि विज्ञान, फल बीज संरक्षण, परिस्थिति विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। मानव स्वास्थ्य विज्ञान भी इससे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भौतिक एवं जैविक विज्ञान की पर्यावरण अध्ययन में कितनी उपयोगिता है। स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन तथा वनस्पति के संवर्धन हेतु इसका अध्ययन क्षेत्र वर्तमान में बहुत उपयोगी हो गया है। सभी विषय एक दूसरे से संबंधित है। पर्यावरण विज्ञान आज एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर सामने आया है। इसमें मानव उपयोगी समस्त विज्ञान की शाखाओं का समन्वय किया गया है। बालक प्रारंभिक स्तर से ही इस विषय का पाठन पर्यावरण अध्ययन के रूप में करता है। इसमें अपने आसपास के वातावरण की वस्तुओं का दैनिक जीवन में प्रयोग बताया गया है। कक्षा तीन से पाँच तक विज्ञान के पाठ्यक्रम में आओ करके सीखें। विज्ञान की श्रृंखला प्रारंभ की गई है। इसमें भौतिक एवं जैविक
पर्यावरण विषय वस्तु सम्मिलित की गई है। नमस्कार।